इंदौर शहर में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही है। इंदौर पुलिस द्वारा लगातार चोरों पर कार्यवाही की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी एक चोरी की वारदात सामने आई थाना तेजाजी नगर क्षेत्र के आसाराम बापू आश्रम से, जहां मंदिर में रखी हुई चांदी की चरण पादुका चोर चोरी कर ले गए। दरअसल घटना है तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित आसाराम बापू के आश्रम की, जहां पर 18 तारीख की रात को अज्ञात चोर आश्रम में दाखिल होकर आसाराम बापू के मंदिर में रखी बापू की चांदी की चरण पादुका चोर चुरा ले गए। वहीं आश्रम प्रबंधक मुकेश पटेल का कहना है कि आए दिन यहां आश्रम में से चोरी की वारदात हो रही है। आसपास एक खाली क्षेत्र होने के कारण आए दिन चोर अंदर आ जाते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम दे देते हैं। पिछले दिनों चंदन के पेड़ को भी चोर काट ले गए। हालांकि आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। वहीं तेजाजी नगर पुलिस ने आश्रम की शिकायत पर चोरी की शिकायत दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मुकेश जी बताएं कि यहां आश्रम में किस तरह से चोरी हुई है, क्या क्या चोरी है? आश्रम में क्या है, विगत एक महीना में लगभग दो चार दिन छोड़ के डेली ही चंदन चोर आ रहे हैं। और पीछे इधर जो 52 बीघा एरिया है और उधर पीछे स्वामी प्रीतमदास स्कूल है, उसका अंधेरे का सहारा लेके वो लोग आ जाते हैं। आसपास भी चंदन के पेड़ कटे हैं। और अभी 18 तारीख की रात्रि में यहाँ से पूज्य बापू जी की चरण पादुका जो चांदी की थी उसको भी लेके छोड़ चले गए हैं। वो भी सीसीटीवी फुटेज में आए हैं। वो सब सारी सिचुएशन हमने लिखित में पुलिस को दी है, पुलिस ने इसकी एफआईआर भी दर्ज की है।